हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्सार। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी पोर्ट्रेट को ऑयल पेंटिंग में कन्वर्ट करना और कैसे करें, वो भी सिर्फ फिल्टर को यूज करके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फेवर चाहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है और आप इससे कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं सीधा फोटोशॉप पर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फोटो ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपको ऑयल पेंट करना है इस फोटो को, तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए फोटो की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो। यहाँ मैं बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा, इसका डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगा कंट्रोल जी प्रेस कर। फिर जाएंगे इमेज, एडजस्ट, शेडो एंड हाईलाइट। यहाँ मैं इसका इतना फेड़ो, यहाँ मैं फेड़ो करीबन 20 के आसपास रख रहा हूँ। फिर से मैं ये लेयर वन को डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल जी प्रेस करके। फिल्टर, फिल्टर में जाएंगे, अदर एंड हाई पास। यहाँ मैं वैल्यू उसका चार रखता हूँ। आप अपने फोटो की क्वालिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू रख सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ओवरले या फोटो की थोड़ी डेड होगी। लेयर वन और कॉपी लेयर वन को मैं सिलेक्ट करता हूँ, दोनों लेयर को राइट क्लिक करके मर्ज लेयर। फिर से फिल्टर, शार्पन एंड अनकट मास्क। इसकी अमाउंट में करीब हम 130 के आसपास रखता हूँ, रेडियस 2 की है। ओके, ये हो गया डिटेलिंग। अब मैं इसको ऑयल पेंटिंग का लुक दूंगा। जाऊंगा फिल्टर, स्टाइलाइज, डिफ्यूज और डिफ्यूज में जाके ये लास्ट वाला एनिसोट्रॉपिक, इसको हम कर देंगे ओके। अब प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को मैं करूंगा पूरा रोटेट, इमेज रोटेशन 90 क्लॉकवाइज और फिर से दूंगा फिल्टर डिफ्यूज। फिर से मैं डॉक्यूमेंट को रोटेट करूंगा, फिर से स्कैन फिल्टर डिफ्यूज। डॉक्यूमेंट रोटेट 90 डिग्री, फिर से डिफ्यूज। फिर से मैं रोटेट करूंगा, फिर से फिल्टर डिफ्यूज। दोस्तों, मैंने ये फोटो को चारों एंगल से सेम फिल्टर से दिया, थोड़ी इफेक्ट दिखनी स्टार्ट हो गई। मुझे फिर से मैं जाऊंगा फिल्टर, नॉइस, रिड्यूस नॉइस। इसकी स्ट्रेंथ मैं पूरी 10 कर दूंगा, फोटो थोड़ा स्मूथ दिखे और बाकी की डिटेल, बाकी की वैल्यू सब दीजिए। देखिए देखिए, फिर से मैं फिल्टर जाऊंगा और अनसाफ मार, थोड़ी सी डिटेल और बढ़ाऊंगा 90 के आसपास और रेडियस 2 और ओके। फिर से ये लेयर का मैं दूसरा नया लेयर बनाऊंगा कंट्रोल जी पे, डुप्लीकेट लेयर। फिर से फिल्टर में जाएंगे, अदर एंड हाई पास। वैल्यू उसकी 3 रख रहा हूँ, वापस ब्लेंडिंग ऑप्शन ओवर। कितना करने के बाद दोस्तों, मैं करूँगा इन सारे लेयर को मर्ज करूँगा, अल्टर कंट्रोल शिफ्ट एंड ई प्रेस करके ये नया लेयर ऊपर आ गया। सॉरी, ये नया लेयर बन गया। नए लेयर को मैं करूंगा थोड़ा टोन दे दूंगा फोटो का, देखा। ऑटो टोन देने के बाद मैं इसकी अपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ, करीब 30 के आसपास सेट कर रहा हूँ। अभी एक और नया लेयर ले रहा हूँ, ब्रश ले रहा हूँ, यहाँ से येलो कलर शुरू कर रहा हूँ।
खोला और पूरे डॉक्यूमेंट की साइज का ब्रश ले रहा हूँ। ब्रश की साइज थोड़ी बड़ी है, डॉक्यूमेंट की साइज बड़ी, और यहाँ इसकी अपोसिटी में फूल कर दे रहा हूँ, और यहाँ सिंपल क्लिक। यहाँ से कोई दूसरा कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, रेड कर रहा हूँ रेड, और यहाँ पे इस पर थोड़ा सा अंदर और लेयर को मैं कर देता हूँ सॉफ्ट लेयर, और इसकी भी ऑपेसिटी थोड़ी कम कर रहा हूँ। इसकी ऑपेसिटी रख रहा हूँ 50। दोस्तों तो ये हमारी ऑयल पेंटिंग तैयार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।